में हिंसा की आग अभी तक बुझी भी नहीं है और इस पर सियासत तेज हो गई है। हरियाणा में तनाव और हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने इसे नाकामी बताया है सरकार की। हरियाणा के नूह में सोमवार को भड़की यह आग भले ही बुझ जाएगी, लेकिन इससे निकलने वाला नफरत का धुआं अभी थमने वाला नहीं। नूह हिंसा की आंच अब हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पहुंच चुकी है। हिंसा के दूसरे दिन पलवल में आगजनी की गई। पलवल के होटल में दंगाइयों ने सामान से भरे चार ट्रकों में आग लगा दी। आग लगने से गाड़ियों में भरा हुआ सामान जलकर राख बन गया। पलवल की परशुराम कॉलोनी में बनी झुग्गियों को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस ने दोनों जगह पर मोर्चा संभाल हालातों पर काबू पाया। सोमवार को नूह के साथ हरियाणा के सोहना में भी हिंसा हुई थी। वहां भी घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई थी। सोहना में भी हालात तनावपूर्ण है। स्थानीय लोगों से सुनिए सोमवार को सोहना में क्या कुछ हुआ। चलिए भटाकर बम भूगोले चले, खूब रात धाड़ गोली बारूद चलिए, वहाँ से वहाँ तक बम चले, पटाखे चले, इस दुकान में तीन सिलेंडर। पूरी रात हमें नींद नहीं आई, पूरी रात नींद आई, पूरी रात जागे पड़े हम। एक मिनट पलक नहीं सकी हमारी, एक मिनट नहीं सो पाए हम। हाँ, और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है, मतलब कोई ऐसी वो नहीं है, उनसे उनको जैसे मतलब वो करता है उनके साथ ही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तनाव है। वह एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। गुरुग्राम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नूह से शुरू हुई हिंसा का असर हरियाणा के सोहना, पलवल, गुरुग्राम में दिख रहा है। इन जिलों में तनाव के हालात हैं। नूह समेत हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में तनाव और हिंसा के बीच मनोहर लाल ने हाई लेवल मीटिंग की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। हरियाणा में तनाव और हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने इसे मनोहर सरकार की नाकामी करार दिया है। अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी तो शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जिन पर हरियाणा के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उन्होंने विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। सभी जिम्मेदार पार्टियों को और जिम्मेदार नेताओं को अभी तो अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए कि वहाँ पर शांति हो। राजनीति करने का जब समय आएगा तो जवाब दूंगा ना, मैं हूँ ना, दूंगा जवाब। अनिल विज ने भी हिंसा के पीछे षड्यंत्र की आशंका जताई है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन है जो हरियाणा को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश कर रहा है, और अगर पुलिस प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की पहचान कर ली तो क्या उन पर भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर चलेगा, और क्या हिंसा के दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।